अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे इन हेज 21 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी विल कंप्लीट वर्कबुक पेज नंबर 61 एंड इन होमवर्क यू विल हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 62। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज आवर पेज नंबर 61 एंड आवर टॉपिक इज पंक्चुएशन एंड आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन एंड आर्टिकल। पंक्चुएशन किसको कहते हैं? हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप को पुट करना है। आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एन एन को यूनिट वन में हमने लर्न किया था। सो उसकी डेफिनेशन है, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद कंसोनेंट्स। जो भी वर्ड्स कंसोनेंट वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, कंसोनेंट लेटर्स के साथ, उसके साथ हम यूज करते हैं। अ पेंसिल, अ बुक। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल्स। जो भी वर्ड्स जो हैं वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, उसके साथ हम एन यूज करते हैं। एन एप्पल, एन ऑरेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या करना है इस पेज पर, वो यहाँ पर मेंशन है। राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग ए। हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस बनाना है जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो। राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग एन, और हमें एन के साथ टू सेंटेंसेस को बनाने हैं। एंड नंबर थर्ड इज बिगिन सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। ओके, जो भी सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे, फोर फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना है। पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप को पुट करना है। एंड द लास्ट इज अंडरलाइन नाउन्स विद रेड एंड वर्ब विद ब्लू कलर इफ दे आर इन योर सेंटेंसेस। जो भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें अगर नाउन एंड वर्ब का यूज हो रहा है तो हमें उनको रेड एंड ब्लू से अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। सो हियर वी विल मेक अवर फर्स्ट सेंटेंस, एंड अवर फर्स्ट सेंटेंस वी विल राइट शी, एस एच ई शी। शी का फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल करेंगे। ओके, एस कैपिटल होगा। आई एस इज राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग लेटर। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या कर रही हैं? लेटर को लिख रही हैं। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट हियर अ फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन हम बाद में करेंगे। सेकेंड सेंटेंस हम बनाएंगे, द किंग, टी एच ई द। फर्स्ट लेटर हमने द का कैपिटल किया, द किंग, के आई एन जी, किंग। द किंग लीव्स, एल आई वी ई एस, लीव्स इन आई एन इन अ बिग हाउस। ओके, जो किंग है वो बड़े से हाउस में रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने ए के साथ दो सेंटेंसेस बना लिए। अब हम एंड से दो सेंटेंसेस बनाएंगे। मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। मदर का फर्स्ट वर्ड एम हम कैपिटल करेंगे। आई एस इज कटिंग, सी यू डबल टी आई एन जी, कटिंग। एन एप्पल, ए एन एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एंड एट द एंड वी विल पुट फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट सेंटेंस इज विद यूजिंग एन is we use w, w capital hoga v ka, okay, w e v, used, u s e, use, and a n n, umbrella, okay, umbrella, u m b r e double l a, umbrella, in i n n, rain, r a i n, rain. And at the end of the sentence we will put here a full stop। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमने क्या करना है, जो भी इसमें नाउन है उनको हम रेड के साथ अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्या है? शी इज़ राइटिंग अ लेटर। लेटर क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब हम इसे रेड से अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द किंग लिव्स इन अ बिग हाउस। ओके, जो किंग हैं वो कहाँ रहते हैं? बड़े से घर में। तो यहाँ पर हाउस क्या है? नाउन, और किंग भी क्या है? नाउन। ओके, मदर इज कटिंग एन एप्पल। इस सेंटेंस में नाउन क्या है? एप्पल। ओके, और मदर, इसको हमने रेड से अंडरलाइन करना है। लास्ट सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला इज अ नेम ऑफ अ थिंग। ओके, सो नाउ वी विल अंडरलाइन अ वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? किसी भी काम के करने को। ओके, राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना। सो
सो राइटिंग को अंडरलाइन करेंगे. लीव्स मीन्स रहना, कटिंग मीन्स काटना और यूज मीन्स इस्तेमाल करना. सो दीज ऑल आर ऑफ वर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर क्लास वर्क ऑन पेज नंबर 67. इट्स टाइम फॉर होमवर्क एंड इन होमवर्क यू विल हैव टू कम्प्लीट पेज नंबर 62. योर टॉपिक इज सेम पंक्चुएशन एंड आर्टिकल. सेम आपने वही करना है जो हमने क्लास वर्क में किया है, वही आपने होमवर्क में करना है. सेंटेंस आप चेंज लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस वही हैं. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ब्लेस्ड डे. टेक केयर. खुदा हाफिज़.